गरियाबंद से जो है फिर बड़ा है सीमा विवाद। उड़ीसा के अधिकारियों ने दिखाई है दबंगाई, जिसमें बुर्जा बहाल के किसानों ने हटवाया है कब्जा और खड़ी फसल कटवाकर खाली कराई है जमीन। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को नहीं दी है सूचना, कुछ माह पहले दोनों राज्यों के अधिकारियों ने मिलकर समाधान की बात कही थी। फिर से उड़ीसा से सीमा विवाद शुरू हुआ, उड़ीसा के अधिकारियों ने दबंगई दिखाई है। किसानों से हटवाया गया है कब्जा। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को इस बात की कोई सूचना नहीं दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ा समझा पुरुषोत्तम पात्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, उड़ीसा से फिर से सीमा विवाद बढ़ गया है, हालात क्या नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मामला जो था 18 जून 2018 को हुआ था सबसे पहले, लेकिन वो मामला 3-4 पहले शांत हो गया था। कल फिर से जो है गरियाबंद जिले के जो बुर्जा बहाल मैनपुर तहसील का बुर्जा बहाल का जो सीमा उड़ीसा के नुआपाड़ा जिला से लगा हुआ है, उस नुआपाड़ा तहसील के राजस्व अधिकारी जो है छत्तीसगढ़ के सीमा पे प्रवेश किए और वहाँ बुर्जा बहाल के जो 12 किसान है उनको बुलवा के वहाँ पे अपनी मनमानी किया गया। और इतना ही नहीं, जब उनको समझाइश दी गई, समझाइश देने के बाद जब फसल लगने का जो हवाला दिए किसान, तो अधिकारियों ने दबंगई दिखाते हैं। वहाँ पे 4 डिसमिल में जो मौजूद था 100 पेड़ जो मक्का के थे, मक्का के पेड़ को कटवा दिए, जिससे किसान काफी चिंतित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मामला जब 2 साल पहले 1.5 साल पहले जब उठा था, तो वहाँ के कलेक्टर और उड़ीसा के कलेक्टर और हमारे कलेक्टर के बीच ये बात तय हो गया था कि जो दावा किया जा रहा है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच, दोनों अपने जगह पे बंदोबस्त त्रुटि के कारण ये सब हो रहा है। और ज्यादा त्रुटि जो है उड़ीसा में हुई है, जो हमारे किसान 12 किसान जो दावा कर रहे थे वो उनका दावा सही था। तो इस बात की पुष्टि होने के बाद ये तय हो गया था कि जैसे स्थिति बनी हुई है उसी स्थिति में रहेंगे। लेकिन फिर से अचानक जब उड़ीसा के अधिकारी वहाँ आके खड़ी फसल को ले गए, वो भी स्थानीय अफसरों को इसकी सूचना तक नहीं दिया, तो ये निश्चित तौर पर उड़ीसा के जो अफसरों की दबंगी ही कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।